नमस्कार, मैं तनु बोध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां आगरा की शान बीजेपी ब्रज क्षेत्र उपाध्यक्ष श्री प्रमोद गुप्ता जी ने अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में अनेक कार्यकर्ताओं ने बड़ी सादगी व उल्लास के साथ उनका सम्मान किया। गुप्ता जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बीजेपी छावनी प्रभारी श्री अश्विनी शर्मा जी ने भी गुप्ता जी को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में शिव कुमार राजौरा जी, अनामिका जी, दाऊ जी, मनीष गौतम जी, प्रवीण गुप्ता जी, बबलू जी, गोविंद जी, नवल किशोर जी, नरेश पांडे जी, तरुण जी, राकेश बघेल जी, शर्मा जी व अनेक कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े जुझारू और कर्मठ आईडी मिल रही है, भाई साहब दिन रात पार्टी के कामों में और पार्टी के कार्यों को गति देने में लगे। आज उनका जन्म दिवस है, यहाँ हम सब लोग कार्यकर्ता बंधु इकट्ठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को और अधिक भव्य और दिव्य बनाने के लिए जिस धरा को पेड़ों की ज़रूरत है उस कार्यक्रम को भी भाई साहब ने यहाँ रखा है। आज उन्होंने 11 पेड़ अपने हाथ से लगाए हैं और पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि अगर वृक्ष हैं तो हम हैं, हम हैं तो जीवन है। तो भाई साहब ने सभी से अपने आज जन्मदिन के अवसर पर हम सब कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि हर कार्यकर्ता न्यूनतम एक पेड़ अवश्य अपने बर्थडे, जन्मदिन, बच्चे की बर्थडे पार्टी, बच्चे का जन्मदिन, वो जो भी हो उस पर एक पेड़ अपने घर के आसपास या अपने कहीं पार्क में अवश्य लगाएं, जिससे कि हमारा पर्यावरण बच सके और हम लोग स्वस्थ रह सकें। ये संदेश आज हमारे आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी ने अपने जन्मदिन पर हम सबको दिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा है और आप शहरवासियों के लिए क्या आदेश देना चाहते हैं या क्या संदेश देना चाहते हैं प्रकृति को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं की इच्छाओं से ये कार्यक्रम हुआ है और मैं तो कहना चाहता हूँ किसी का भी जन्मदिन हो, किसी की शादी की सालगिरह हो, किसी के परिवार में कोई जन्मतिथि हो, पुण्यतिथि हो, ऐसे अवसरों पर कोई ना कोई सामाजिक चेतना का कार्यक्रम होना चाहिए। तो मैं अपने जन्मदिन पर प्रति वर्ष वृक्षारोपण का कार्यक्रम करता हूँ और आज भी 12 वृक्ष नीम के, पीपल के, पापड़ के, बर के ऐसे लगाए हैं और पिछली बार के मैं पेड़ देख भी रहा हूँ, 5 पेड़ पनप कर बड़े हो गए हैं। हमें खाली पेड़ लगाना है और उनकी देखभाल करनी है, उसकी चिंता भी करनी है और इस समय पूरी दुनिया में एक स्वस्थ रहने के लिए एक शुद्ध वातावरण या पर्यावरण बहुत आवश्यक है। यदि पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो ये धरती है। जितने हम पेड़ लगाएंगे इस धरती को सुरक्षित रखेंगे। पेड़ है तो ये बरसात है, पेड़ है तो ये जल है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में मेरा ये संदेश है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में न्यूनतम एक पेड़ से 5 पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ लगाने के बाद उनको छोड़ नहीं देना चाहिए। जब तक वो पूरा खड़ा नहीं हो जाए, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए, जैसे अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, इसी तरीके से पेड़ का भी पालन पोषण करना चाहिए। तो मैं तो बॉटनी का स्टूडेंट हूँ तो इसके बारे में तो बहुत लंबा विषय है, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, फोटोसिंथेसिस का, तो ये पूरी प्रोसीजर है
लेकिन कुल मिलाकर ये है, पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो जल है, पेड़ है तो ये धरती है, पेड़ है तो ये सारा जहां है, पेड़ है तो ये पूरी दुनिया है। वैसे भी कहना मानना है कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो पोशाक है वो आप ही कहे जाते हैं और आप ही माने जाते हैं। नहीं नहीं, कार्यकर्ताओं का नहीं, ये सही बात है। कार्यकर्ताओं का निर्माण करने का शौक है, ये पार्टी बहुत बड़ी है, सभी पार्टी के पालक और पोशाक है।